So very good afternoon to all of you. In the previous lecture, we studied about consumer price index, also known as cost of living index. हमारी government actually बेटे तीन तरह के index number prepare करती है. एक consumer price index, जिसको हम cost of living index भी कहते हैं. दूसरा wholesale price index और तीसरा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तीनों क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको मैंने बता दिया. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है? ताकि हमें सोसाइटी के पर्टिकुलर सेगमेंट्स के ऊपर प्राइसेस का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो जानने के लिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी मंथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करती है. तो जब सीपीआई कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तीन कंस्ट्रक्ट करती है. वन फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर, अनदर फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, एंड थर्ड वन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स. एक एग्रीकल्चरल लेबरर्स, एक इंडस्ट्रियल वर्कर और तीसरा अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज. ठीक है, तो हर एक के लिए अलग अलग बास्केट ऑफ गुड्स ली जाती है. इसमें गुड्स भी लिए जाते हैं, सर्विसेज भी ली जाती है. सेकंड है होलसेल प्राइस इंडेक्स. बेटे होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये प्रिपेयर किया जाता है टू मेजर द चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल. जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी का रेफरेंस नहीं ले रहे हैं. ऑन एन एवरेज अगर जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स 100 था, अब 120 हो गया, तो इसका मतलब देयर हैज बीन 20% राइज इन द जनरल प्राइस लेवल. ठीक है, तो जनरल प्राइस लेवल में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स. इसको एवरी वीक प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेजर कर सकते हैं. अब डिफरेंस पता चल गया आपको कंज्यूमर और होलसेल प्राइस इंडेक्स में. उसमें पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बनाया जाता है, उनमें कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या चेंज आ रहा है एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी वो मेजर किया जाता है. इसमें जनरल प्राइस लेवल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए गुड्स एज वेल एज सर्विसेज आर टेकन इनटू अकाउंट. होलसेल प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए सेविंग्स सर्विसेज आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, ओनली गुड्स आर टेकन इनटू अकाउंट. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड एवरी मंथ, यानी एक महीने में, एक साल में 12 सीपीआई कंस्ट्रक्ट होते हैं. वेयर एज होलसेल प्राइस इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड फॉर एवरी वीक. हर वीक जब एंड होता है तो उस वीक का होलसेल प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है. यानी 52 वीक्स हैं तो 52 WPI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट करती है. ठीक है, सो यू राइट इट डाउन द मीनिंग ऑफ अ होलसेल प्राइस इंडेक्स. होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिकेट्स चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल. It is available for every week. WPI is available on weekly basis. To construct WPI, commodities are broadly classified into three categories. Commodities are broadly categorized into three categories. ये आप टेबल बना लीजिए. पहला कॉलम है कैटेगरी, दूसरा है वेट विच इज गिवन इन परसेंटेज. वेट विच इज गिवन इन परसेंटेज. थर्ड इज नंबर ऑफ आइटम्स.
तो बेटे हम अपनी देखो हमारी कंट्री में कितने गुड्स एंड गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो अगर हम सारे गुड्स के नाम लिखने बैठ जाएं तो हमारा टेबल पूरा इस तरह से भर जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उन गुड्स को कैटेगराइज कर देते हैं। तीन कैटेगरीज में हमने इनको क्लासिफाई किया है। प्राइमरी आर्टिकल्स, देर आर 102 प्राइमरी आर्टिकल्स टेकन इन टू अकाउंट वाइल कंस्ट्रक्टिंग WPI, जब हमारी गवर्नमेंट होलसेल प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। तो पहली कैटेगरी में लेती है प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसमें 102 आइटम्स हैं और इसकी वेटेज है 22.62%, 22.62% प्राइमरी आर्टिकल्स में बेटे वो गुड्स आते हैं विच आर ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्लॉयटिंग नेचुरल रिसोर्सेस, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, जितने भी प्राइमरी आर्टिकल्स हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयट करके बनते हैं। 102 सच आइटम्स आर टेकन, जिसका वेटेज जो हमने रखा है दैट इज 22.62। क्लियर। सेकेंड है बेटे फ्यूल, पावर, लाइट एंड लुब्रिकेंट्स। फ्यूल, पावर, लाइट एंड लुब्रिकेंट्स 19 आइटम्स आती है इसके अंडर, इंक्लूडिंग ऑयल, किरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोलियम, वेसलीन, एलपीजी, ये सारी आइटम्स को इंक्लूड करके 19 सच आइटम्स, और इसका जो वेटेज है दैट इज 13.15, 13.15%। नेक्स्ट है बेटे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, नेचुरली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स मैक्सिमम ही होंगे, हम जितने भी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं मोस्ट ऑफ देम आर मैन्युफैक्चर्ड। सो 555 मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं इस कैटेगरी में, और इसकी वेटेज जो है दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम 64.25%। बेटे इवन शुगर जो है या कपड़े जो हैं, मशीनरीज जो हैं, ठीक है, लेदर, स्टेशनरी, जो भी आइटम्स आप देखो अपने आसपास, वो सब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो 555 सच मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। बेटे होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका ये है, इतना लिख लिया बच्चे आपने सबने, ओके। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ क्यों होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज किया जाता है। व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आपको पता है ना इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन मीन राइज इन प्राइसेस। नाउ व्हाट इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, द रेट एट विच प्राइसेस आर राइजिंग। अगर आप न्यूज सुनते हो तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि भाई 6% इन्फ्लेशन रेट इस हफ्ते 6% रहा है। इसका क्या मतलब है कि एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर देयर हैज बीन 6% राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज राइजन बाय 6%, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स से रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इफ होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर वीक एंडिंग वन, लिख लो WPI फॉर वीक वन, पहला हफ्ता जो आया उसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स हमने कैलकुलेट किया, से इट केम आउट टू बी 800, ठीक है। नेक्स्ट वीक का जो आया दैट इज 880 होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक। नाउ व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर सेकेंड वीक माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर फर्स्ट वीक डिवाइडेड बाय होलसेल
होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ फर्स्ट वीक मल्टीप्लाइड बाय 100. इन दिस केस इट विल बी 880 था लास्ट सेकेंड वीक का, फर्स्ट वीक का 800 था, इसको 800 से डिवाइड कर देंगे जो फर्स्ट वीक का था. 80 डिवाइडेड बाय 8, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या रहा? 80 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 10%. ठीक है, सो वीकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा हमारा 10%, यानी पिछले हफ्ते के कंपैरेटिवली इस हफ्ते 10% इंक्रीज आया है हमारे इन्फ्लेशन में. ठीक है, तो इसके कोई न्यूमेरिकल्स हमें नहीं आएंगे, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. ठीक है, थ्योरेटिकल है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स. तीसरा इंडेक्स नंबर जो गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. अब सिर्फ प्राइसेस में क्या चेंज आया वो ही नहीं इंटरेस्टेड होते हम जानने में, हम ये भी जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारे आउटपुट में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है. ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंडेक्स नंबर है उसको शॉर्ट में कहते हैं IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. बट दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस, सो वी विल बी लीविंग इट. ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज बेटे इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया लेकिन फिर भी इसको एक बार थ्योरेटिकली थोड़ा सा लिख लेते हैं. इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर. व्हाट इज इन्फ्लेशन? सबसे पहले इन्फ्लेशन का मीनिंग लिख लो. इन्फ्लेशन रेफर्स टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, राइज इन जनरल प्राइस लेवल. अगर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता जा रहा है, बाकी किसी का प्राइस में कोई खास चेंज नहीं आ रहा, तो हम ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है. इन्फ्लेशन कब कही जाती है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रही है? जब जनरल प्राइस लेवल में ऑल टुगेदर एवरेज प्राइसेस में राइज आ रहा है. ठीक है, सो इन्फ्लेशन रेफर्स टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल एंड इट इज अ परसिस्टेंट राइज. यहां पर लिख ऐसे ही लिख दो, इन्फ्लेशन रेफर्स टू परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल. परसिस्टेंट का मतलब वन टाइम इंक्रीज इन प्राइसेस, इसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहते. अगर लेट अस से लॉकडाउन लग गया जिस करके किसी कमोडिटी के प्राइसेस या जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया, प्राइसेस बढ़ने लग गए, उसके बाद प्राइसेस नॉर्मलाइज हो गए, तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे. ठीक है, तो जब परसिस्टेंटली प्राइसेस बढ़ते हैं, वन टाइम इंक्रीज को इन्फ्लेशन नहीं कह सकते. परसिस्टेंटली जब प्राइसेस बढ़ते हैं और जनरल प्राइस लेवल में चेंज आता है, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं. ठीक है, सो अगर हम इन्फ्लेशन को बेटे कंट्रोल नहीं करते हैं, तो हमारी मनी की वैल्यू कम होती जाती है. इन्फ्लेशन और मनी की वैल्यू में नेगेटिव रिलेशन है, यानी अगर प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो मनी की वैल्यू कम होती जाएगी. ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ते हैं तो आप सेम अमाउंट ऑफ मनी से कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाओगे. ठीक है ना, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन के बढ़ने से प्राइसेस, सॉरी मनी की वैल्यू कम होती जाती है, और इन्फ्लेशन के कम होने से अगर प्राइसेस कम होते हैं तो मनी की वैल्यू बढ़ती जाती है. तो नोबडी वांट्स टू लूज द वैल्यू ऑफ मनी. कौन चाहता है कि हमारी मनी की वैल्यू जो है वो कम हो? बेसिकली हम इन्फ्लेशन को कहते हैं ये इनविजिबल थीफ है. इनविजिबल थीफ कैसे है ये इन्फ्लेशन? आपने अपने लॉकर में, सपोज करो 2010 में आपने अपने लॉकर में 1,00,000 रुपए रखे. ठीक है, अगर आप उस टाइम पे ये 1,00,000 रुपए आपने रखे, ठीक है, अब
आपने 2020 में लॉकर खोला, अभी भी इसमें 1 लाख रुपए हैं, पर मैं कहती हूं मेरे मनी की चोरी हो गई है। ठीक है, आप बोलो 1 लाख रुपए रखे थे, 1 लाख रुपए ही निकले तो चोरी कहां पे हुई? बेटे मेरे पड़े पड़े लॉकर में पड़े पड़े मेरे मनी की वैल्यू कम हो गई। सपोज करो मैं 2010 में अगर 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदती तो उस केस में मेरे पास 30 ग्राम गोल्ड आता। आज मैं वही पैसे लेके 1 लाख रुपए लेके मार्केट जाती हूं तो इससे मैं सिर्फ 20 ग्राम गोल्ड खरीद सकती हूं। तो ये मेरे पैसे चोरी हुए या नहीं हुए? ऐसा नहीं है कि किसी ने यहां से निकाल लिए लॉकर में से पैसे, क्योंकि ये इनविजिबल थीफ है। यहाँ पे इनविजिबल थीफ कौन है? इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को हम कैसे मेजर करते हैं? अभी अभी मैंने बताया, वो बात दोबारा बता रही हूं। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो कैसे कैसे करते हैं वो आपको ऑलरेडी बता दिया। फॉर फर्स्ट वीक एंडिंग अगर 800 है, फॉर सेकेंड वीक एंडिंग 880 है, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा? 880 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 800 इनटू 100, दैट इज 10%। ठीक है, सो दिस इज हाउ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड मेकिंग यूज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ओके, अनदर थिंग बेटे, हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड सेंसेक्स? सेंसेक्स सुना आपने? स्टॉक एक्सचेंज पता है आपको क्या होती है? एनीवन रेज योर हैंड। ओके, सो स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है जहां पर कंपनीज के स्टॉक्स शेयर्स बेचे और खरीदे जाते हैं। ठीक है, और हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट जो है, हाँ जी, जहां पर मार्केट की ट्रेडिंग की जाती है, एग्जैक्टली हर्षिका। सो हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट हमारी अप है या डाउन है? आपने कभी ये तो सुना होगा ना, सेंसेक्स हाई गया, सेंसेक्स लो गया, या मार्केट अच्छी जा रही है ना? तो कैसे पता चलता है मार्केट की पोजीशन के बारे में? अगेन, जिस जैसे हमें प्राइसेस के बारे में पता चलता है, इंडेक्स नंबर हमें ये बताता है कि भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं या प्राइसेस कम हो रहे हैं। अगर हमारा WPI बढ़ रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। WPI कम हो रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो रहा है। इसी तरह से बेटे, स्टॉक एक्सचेंज की फंक्शनिंग को देखने के लिए एक इंडेक्स हम प्रिपेयर करते हैं जिसको हम कहते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स इज बेसिकली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स, इसका हमने ये वर्ड्स उठा लिए तो इसका बन गया सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंसिटिव इंडेक्स। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये इंडिकेटर है, इसमें हम 30 कंपनीज के स्टॉक्स की जो मार्केट प्राइस है उसका एवरेज लेके ये देखते हैं कि अगर सेंसेक्स लास्ट डे के कंपैरेटिवली बढ़ रहा है ना, इसका मतलब हमारा जो मार्केट है वो अच्छी जा रही है। अगर सेंसेक्स नीचे जा रहा है, इसका मतलब शेयर्स जो हैं उनके मार्केट के प्राइसेस जो हैं वो कम जा रहे हैं। तो इससे इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने इन्वेस्ट करना होता है इकोनॉमी में, मार्केट में सॉरी, उनको पता चल जाता है, इट इज एन इंडिकेटर के मार्केट की पोजीशनिंग कैसी जा रही है। ठीक है, सो अगेन सेंसेक्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, सो विच मीन्स इंडेक्स numbers is are quite useful instrument. आपको uses अब पता चल गए होंगे। एक index हमें ये बताता है rate of inflation कैसे measure करते हैं,
फिर बेटे हमें ये भी बताता है, गवर्नमेंट को हेल्प करता है पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में। सपोजिंग हमें पता चल गया कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% है, तो इसका मतलब मुझे जो चीज पहले 100 रुपए की थी अब उसके लिए मुझे 110 रुपए खर्चने पड़ेंगे, है ना। अब हम कहेंगे कि भी गवर्नमेंट को बोलेंगे भी प्राइसेस बढ़ी जा रहे हैं, 10% प्राइसेस बढ़ गए और मेरी इनकम उतनी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है जब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट आपको अपनी सैलरी के साथ एक डियरनेस अलायंस देती है। डियरनेस अलायंस होता है एक अलायंस विच इज गिवन टू कंपेंसेट द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, प्राइस राइज इन द इकोनॉमी। अब 10 रुपए प्राइसेस बढ़े हैं ना, यहाँ पे आपकी इनकम है सपोज 100 रुपए, ठीक है, इन्फ्लेशन है 10%, तो अब आपको गवर्नमेंट 10% डीए दे देगी ताकि आपकी मैं आपकी आपके ऊपर महंगाई का कोई असर ना हो, आपकी सैलरी कमेंसुरेट करे विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हाउ टू कैलकुलेट डीए, कितना डीए देना है, इसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। इन पॉलिसीज को बनाने के लिए अगेन इंडेक्स नंबर इज मेड यूज ऑफ, ठीक है। Then it is also useful to the businessmen. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सेंसेक्स है, उससे पता चल जाता है हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एक आपको कैसे अपनी प्लानिंग करनी है वो आप इंडेक्स नंबर को देख के अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। Then it is also used to know the changes in the standard of living of people. अभी आपको बताया कि जब prices बढ़ते हैं तो इसका मतलब money की value कम हो गई है। मनी की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो रहा है लोगों का। तो अगर आपको लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करना है, यू कैन मेक यूज ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को भी असेस करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी गवर्नमेंट अपनी बहुत सारी पॉलिसीज बनाने के लिए इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करती है, ठीक है।